हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी अपनी फोटो को कुछ इस तरह से सनशाइन एंड ब्राउन टोन में एडिट करना चाहते हैं लाइट रूम ऐप की मदद से, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइट रूम ऐप के अंदर फोटो को ओपन कर लेना है। फिर इसमें हम लाइट वाले ऑप्शन पर चलेंगे, पहले लाइट को एडजस्ट कर लेंगे। एक्सपोजर को हम थोड़ा माइनस कर लेते हैं और कंट्रास्ट को हम थोड़ा पहले इसमें इंक्रीज कर लेंगे। कंट्रास्ट को इंक्रीज कर लेंगे 40 के अराउंड। फिर हाईलाइट को इसमें माइनस कर देना है, हाईलाइट को एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस कर देना है। और शैडो को भी एडजस्ट कर लेना है, शैडो को भी थोड़ा माइनस कर देंगे ताकि फोटो में थोड़ा डार्कनेस आ जाए, क्योंकि हमें ब्राउन टोन में फोटो एडिट करनी है। और वाइट को भी हम थोड़ा इसमें माइनस कर लेंगे, ब्लैक को थोड़ा प्लस की तरफ रखेंगे, इंक्रीज कर देना है ब्लैक को। ब्लैक को इंक्रीज करने के बाद उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर, कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे हम यहाँ से, कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम टेम्परेचर को इसमें जो है पहले थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि फ़ोटो में थोड़ा टेम्परेचर आ जाए। और टिंट को हम थोड़ा माइनस कर देंगे। उसके बाद हम वाइब्रेंस को इसमें थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 40 के अराउंड देख लीजिए आप, 48 के अराउंड। और सैचुरेशन की भी 4+ कर देना है। फिर आएंगे मिक्स वाले ऑप्शन पर, पहले वाले का सैचुरेशन जो है हम थोड़ा इसमें इंक्रीज कर देना है आपको, और ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ह्यू को 2% इंक्रीज कर देना है। फिर सेकंड वाले कलर पे आएंगे, स्किन वाले कलर पर, ऑरेंज कलर, उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि फेस में थोड़ा लाइटनेस आ जाए, और ह्यू को 2% इंक्रीज कर देंगे। फिर आएंगे येलो वाले ऑप्शन पर, येलो वाले का ह्यू जो है उसको हमें थोड़ा माइनस कर देना है, देख लीजिए कुछ 80 के अराउंड। और सैचुरेशन को थोड़ा प्लस की तरफ रखना है 32 के अराउंड। और ल्यूमिनेंस को थोड़ा माइनस कर देना है। और ग्रीन वाले का सैचुरेशन, ह्यू और ल्यूमिनेंस तीनों को 100% माइनस कर देना है पूरा। उसके बाद आएंगे सियान वाले कलर पर, सियान वाले कलर पर आने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देंगे, ब्लू वाले का ह्यू और सैचुरेशन दोनों माइनस कर देंगे, और लास्ट के दोनों कलर का सैचुरेशन माइनस कर देना है, लास्ट के दोनों कलर का सैचुरेशन माइनस कर देना है, पर्पल वाले का, और ह्यू को भी थोड़ा माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। सिंपल यहाँ से डन कर देना है। फिर हम आएंगे यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे ताकि फ़ोटो में थोड़ा टेक्सचर आ जाए, और क्लियरिटी को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि फ़ोटो हमारी थोड़ी डार्क हो जाए। विनियट को थोड़ा कम कर देना है। फिर शार्पनिंग को भी हम थोड़ा इसमें इंक्रीज कर लेंगे, और मास्किंग को डबल टाइप करके कुछ इस तरह करेंगे, जहाँ पे वाइट रहेगा वहीं पे खाली आपकी शार्पनिंग बढ़ेगी। नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है ताकि फ़ोटो में नॉइस ख़त्म हो जाए। फिर हम आएंगे यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पर, ये कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर। पहले वाले को हम उनका ब्लू की साइड रखेंगे कुछ इस तरह से, देख लीजिए आप, पहले वाले को ब्लू की साइड रखना है साइडों को, और ब्लेंडिंग को इंक्रीज कर देना है 100%। फिर सिंपल हम ठंड वाले हाईलाइट पर आएंगे, इसको हम हल्का येलो की साइड रखेंगे कुछ इस तरह से, देख लीजिए आप, तभी हमारी फ़ोटो सही से एडिट हो पाएगी, इस तरह रख देना है। और बैलेंस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा माइनस कर देंगे। सिंपल यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद फिर हम यहाँ से आएंगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर, हल्ड वाले ग्रेडियंट को क्लिक करेंगे और कुछ नीचे से इस तरह ट्रैक करेंगे, और एक्सपोजर को हम थोड़ा माइनस कर लेंगे, और कंट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, हाईलाइट को भी थोड़ा माइनस कर देना है, और क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है ताकि नीचे थोड़ा डार्क हो जाए। फिर सिंपल हमें यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद फिर हम सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर चलेंगे, सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर चलेंगे और सेकंड वाले सेलेक्टिव ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर कुछ इस तरह से फेस पे कर लेना है आपको, फिर इसमें जो है क्लियरिटी को थोड़ा कम कर लेंगे ताकि फेस में जो टेक्सचर था हल्का स्मूथ हो जाए, और टेक्सचर को भी थोड़ा माइनस कर देंगे। फिर सिंपल यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद देखिए फ़ोटो हमारी बन चुकी है, बिफोर आफ्टर आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।